हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीयू 3 इयर्स एलएलबी इन 8 मंथ्स फ्रॉम जीरो। तो इस वीडियो में मैं सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ, कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कौन सी बुक्स में से कवर करने हैं, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ टाइम टेबल। सो गाइज, अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करोगे, चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिख देना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टा पे पूछ सकते हो। इंस्टा पर मैं आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, आपको वीडियोस के अपडेट मिलते रहते हैं वहाँ पर, या कुछ भी जो नया रिसोर्स हमारा आया है उसके बारे में पता चलता रहता है वहाँ पर। हम लॉगरी के नाम से हैं। आप हमारी ईमेल लिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले, व्हेन विल द एग्ज़ाम टेक प्लेस, मई या जून में होता है। मोस्टली जून के लास्ट वीक के अंदर ये एग्जाम होता है, बट तुम लेके चलो कि मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम है, उससे पहले पहले सारी तैयारी करके रखनी है। एंड अगर मई जून ऐसे महीने हैं जब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, तो इंश्योर कि आप पहले ही सब कुछ तैयारी कर रख दो। एंड एग्जाम के टाइम पर जब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स और ये वाला एग्जाम हो, आपको रिविजन भी करने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद कितनी सीट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लॉज जो है उसमें 300 सीट्स हैं। आप कौन से सीट के लिए एम कर रहे हो, कौन से डिपार्टमेंट में, इन द कॉमेंट सेक्शन बताकर जाना। एडमिशन जो है वो कम्प्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम होती है। हाँ, पहले आपके ग्रेजुएशन मार्क्स कंसिडर किए जाते थे, बट 100% एंट्रेंस एग्जाम की वेटेज अब कंसिडर किया जाता है। आपके ग्रेजुएशन के अंदर जो भी लास्ट आपने किया है ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स, उसमें 45% मार्क्स होने चाहिए। 5% कंसेशन रहता है फॉर एससी एसटी बीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। पैटर्न ऑफ द एग्जाम देख लेते हैं। 1 आवर 30 मिनट्स का आपका एग्जाम होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम इंग्लिश हिंदी पंजाबी होती है। 100 मार्क्स का पेपर होता है। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज 30 मार्क्स के आते हैं। लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का आता है। रीजनिंग एबिलिटी नॉलेज ऑफ इंग्लिश 30 मार्क्स का आता है। 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। लीगल एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो 40 मार्क्स का आपका लीगल एप्टीट्यूड है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसको कवर करने के लिए आप हमारा कोर्स जो है वो खरीद सकते हैं। lawgery.in पर अवेलेबल है। वो कोर्स में ही सब कुछ हो जाता है। नहीं तो अगर आपको कोर्स नहीं खरीदना है तो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से सब कुछ कर सकते हैं, दैट इज थ्योरी पढ़ सकते हैं और MCQs सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो है lawgery.com पे मैंने टर्म्स के और मैक्सिम्स के PDF शेयर करे हुए हैं, वहां से आपको पढ़कर जाना है। और 2 वीडियोस भी मैंने करी हुई है lawgery YouTube चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। 1 वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे लर्न करना है और 2 में मैंने आपको लीगल टर्म्स पढ़ाई हुई है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आते हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉज और जो आपके कमीशंस अमेंडमेंट्स ये सब हैं, इनके ऊपर भी मैंने वीडियो करी हुई है जो lawgery YouTube चैनल पर अवेलेबल है, वो आप वहां से पढ़ लीजिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, ज्यूरिसप्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, ये सब जो है आप विली की LA and LR/Willi ले सकते हैं और वहां से आप थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस हैं जैसे इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिसप्रूडेंस के, ये आपको lawgery.in पर मिल जाएंगे। ये पेड हैं क्वेश्चंस, खरीद कर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। बाकी सारा जो है आप LA and LR/Willi में से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड ऑल्सो अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है तो आप वहाँ से लीगल अवेयरनेस MCQs ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है ना, वो बहुत सही रहते हैं क्वेश्चंस, ओके। एंड या दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ करनी है तो lawgery.in पर अगर चाहिए तो कॉमेंट कर देना। जैसे ज्यूरिस और इंटरनेशनल के अवेलेबल करवाए हैं वैसे ही बाकी भी अवेलेबल हो जाएंगे। जनरल नॉलेज स्टैटिक GK जो है 30 मार्क्स की है आपकी। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप यूनिवर्सल्स की अगेन जो सेम बुक है ऊपर जिसमें से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, वो MCQs के क्वेश्चंस लगा सकते हो। हमारा स्टैटिक GK का कोर्स भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो फिर आपको यूनिवर्सल्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप स्टैटिक GK का कोर्स ही डायरेक्ट खरीद सकते हो। आपकी मर्जी, आपको दोनों में से क्या करना है, दोनों में से जो भी एक चीज़ खरीदोगे आपका कवर हो जाएगा। बुक्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो है वो आपका आर्ट्स एंड लिटरेचर टॉपिक बनेगा यूनिवर्सल्स में से, वहाँ से आप कर सकते हो। फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फॉर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट डेज इंटरनेशनल फर्स्ट, ये सब तो है, बट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, फोक डांसेस और फेस्टिवल्स नहीं है। मैं ट्राई करूंगी कि मॉक टेस्ट में कवर हो जाए, बट येस, हमारे कोर्स में आपको इसके क्वेश्चन ज़रूर अवेलेबल हो जाएंगे। सो दैट इज़ वाई ये प्रॉब्लम आता है कि यूनिवर्सल्स में सारे टॉपिक्स नहीं है, बट देन अगर आप ये मॉक टेस्ट से कवर कर लोगे तब भी कवर हो जाएगा। बट अगर आप हमारा कोर्स खरीद रहे हो देन सभी क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे क्वेश्चन बैंक में।
करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स आपको 12 मंथ्स के कवर करने होते हैं, मतलब जून टू जून, पिछले जून से लेकर जिस जून में एग्जाम है वहां तक के कवर करने होंगे। उसके लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हर रोज क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है द हिंदू एनालिसिस की, वहां से कर सकते हैं। या फिर आप loggery.in के जो लेक्चर्स हैं वो खरीद सकते हैं, मंथली कंपाइलेशंस आती हैं वो खरीद सकते हैं। एंड गाइज, कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपको जुलाई टू दिसंबर के भी बंडल में चाहिए, जैसे मैंने जान टू जून जो है वो प्रोवाइड कर दिए एक साथ, तो वो ₹1500 के पड़ेंगे, जिसपे 300 ऑफ मिलेगा आपको, और साथ में MCQs भी आपको सॉल्व करने रहते हैं। देखो यार, loggery.in के लेक्चर्स तो लगाने ही पड़ेंगे, MCQs सॉल्व कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। एंड फिर मॉक्स में भी करंट अफेयर्स मैं कवर करवाती हूँ, आप मैगजीन में से भी कवर कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है नोट्स की और अंडरस्टैंडिंग की, तो वो देख सकते हैं। लॉगरी पर आपको नोट्स बने हुए मिल जाएंगे, डिजी नोट्स, ठीक है ना, लेक्चर्स में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। एंड यस, और प्लस आपका टाइम बहुत सेव होता है, क्योंकि आपको बस देखना है, सुनना है, पढ़ना है, यहाँ पर आपको खुद से रिसर्च वगैरह कर कर समझना पड़ता है। तो वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, मैंने आपको सभी ऑप्शंस बता दिए हैं। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर वन लाइनर्स हैं, यूट्यूब पे 30-40 मिनट्स की वीडियो या 1 आवर या 2 आवर्स की इवन वीडियो है, क्या उससे कवर हो सकते हैं? नहीं, नो, नहीं कवर होगा। देखो अब जो है, आप PYQs उठाकर देख सकते हैं, पैटर्न ऑफ द एग्जाम्स बहुत चेंज हो गए। गॉन आर द डेज जब आप नोबेल प्राइज पढ़ लो, सरस्वती सम्मान पढ़ लो और वो एग्जाम में आ जाते थे, यू आर डन। नहीं, अब वो नहीं आते हैं, आते भी हैं तो एक ही आते हैं, तो बाकी सारे हैं वो ओवरऑल न्यूज़ में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले क्या होता था, मैं भी आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, करवाती थी कि इंपॉर्टेंट अवार्ड्स करवा दिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्कीम्स करवा दी, और उसमें से बहुत क्वेश्चंस आ जाते थे। बट अब जो है ओवरऑल न्यूज़ के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये लिस्ट जो है इतनी ज़्यादा काम नहीं करेंगी। मेहनत आप अल्टीमेटली उतनी कर दोगे रट्टा मारने में, बट एग्जाम में वो ज़्यादा काम नहीं आएगा। तो इनमें से, इन तीनों में से एनी वन ऑप्शन या फिर परमानेंट ऑप्शन, तो MCQs तो ज़रूर लेना, बाकी जो थ्योरी कवर करनी है, पढ़ाई है, वो तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में से कर सकते हो। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये तो मैंने बता दिया, करंट अफेयर्स का आपको, नहीं रीजनिंग का रह गया, सॉरी, टाइम मैनेजमेंट बाद में करेंगे। रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग भर भर के आती है, सीरीज, डायरेक्शन सेंस, एनोलॉजी, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस। जो रेड वाले हैं वो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल में से आप कर सकते हो, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक जो है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन मिलती है, आपको हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एनालॉजी का टॉपिक जो है वो बड़ा है, हर रोज पहले दिन से ही 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाना, सो दैट एंड तक बहुत बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। उसके बाद आता है सिलॉजिज्म्स और आपका स्टेटमेंट इन्फ्रेंस। ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आप MK पांडे में से कर सकते हो, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक, उसमें से आप ये टॉपिक्स कर लो। और अगर MK पांडे ले रहे हो तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा MK पांडे में, अगर वो सॉल्व कर लोगे तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आपको हलवा लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्री कैसे बनेगा, टेबल कैसे बनेगा, ये बताया हुआ है। मैथ्स के लिए आप 30 डेज वंडर या 18 डेज वंडर ले सकते हैं। अगर आपने CUET का एग्जाम देना है या फ्यूचर में गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं तो आप 30 डेज वंडर लो, एंड अगर आपको यही एग्जाम करना है तो 18, नहीं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी आ जाती है, मैं लिख देती हूँ, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आ जाता है, तो इसलिए आप 30 डेज वंडर लो, 18 नहीं चलेगी। इंग्लिश के लिए आपको करना है idiom, phrases, one word, substitutions, synonym, antonym, हर रोज, एवरी डे 5-10 words ईच आपको याद करने हैं, 5-10 synonym, antonyms, 5-10 phrases, 5-10 one word substitution। ये आप SP बख्शी की बुक में से कर सकते हैं बड़े आराम से, SP बख्शी इज योर बुक, ठीक है, या नीतू मैम की बुक ले सकते हो या ढिलो पब्लिकेशंस, एनी वन। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशंस करोगे और फिर फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स को प्रैक्टिस करोगे, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अक्टूबर के अंदर जो अपना बैकलॉग है वो ख़त्म कर दो, loggery.in से अपने वीडियो लेक्चर्स खरीद के बैकलॉग ख़त्म कर दो, ठीक है ना, इतना बैकलॉग ख़त्म कर दो कि 2-3 महीने तक MCQ सॉल्व कर लो, या फिर आप अभी भी सॉल्व कर सकते हो कि साथ साथ में थ्योरी लगा ली, साथ साथ में MCQs लगा लिए, फिर तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, लर्निंग भी हो जाएगी, रिविजन भी होती रहेगी, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दो अक्टूबर में, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, सबसे इजी वाले लॉजिकल रीजनिंग डालें और साइंस के MCQs, अगर MCQs के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ सकते हो यूनिवर्सल्स में से तो और भी बहुत बढ़िया है। तो बहुत कम सिलेबस आपको करना है आने वाले महीनों में,
बट आप बहुत अच्छे से जूरिसप्रूडेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है इसके क्वेश्चंस आपको loggery.in पर मिल जाएंगे। मैं लिंक डलवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर भूल जाओ तो याद दिलवा देना, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द शेड्यूल यू हैव टू फॉलो। एंड जून के अंदर एग्जाम होगा, अप्रैल मई आपके पास होगा, रिविजन कर लो जो मर्जी कर लो। ये भी बहुत धीमे धीमे वाला दिया मैंने आपको टाइम टेबल, सो फॉलो इट एंड येस प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। बहुत सारे लोग आएंगे कॉमेंट्स में, आजकल ना ये ट्रेंड चल पड़ा है, जो भी आता है ना जाते जाते फालतू का कॉमेंट कर दे, अरे ये तो बहुत ईजी है, इसके लिए 15 दिन में हो जाएगा। 15 दिन में तब होगा अगर सच में बहुत मेहनत करोगे, 20-20 घंटे पढ़ोगे तब, और वो भी 100% श्योर नहीं है, ट्राई करोगे आप कि यार हो जाए। अगर आपको पता है कि आपको एक एग्ज़ाम देना है, आपको एक जगह एडमिशन चाहिए और आपको आज पता है, तो उसके लिए पढ़ना आज से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो? दिस इज़ द राइट टाइम, करो स्टार्ट। हर एक टॉपिक को अच्छे से करोगे, जिस टाइम पे लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आप रिविजन कर रहे होगे, आप ये सोच रहे होगे मैं अपने मार्क्स कैसे बढ़ाऊँ, और वो सोच रहे होंगे कि मैं ये सिलेबस कैसे पूरा करूँ। सोच में डिफरेंस देख रहे हो, और वो तब आएगा जब अभी से स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, एंड आप एजुगिरी भी फॉलो कर सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है, द हिंदू एनालिसिस के लिए करंट अफेयर्स आर इम्पॉर्टेंट, करंट अफेयर्स डिफिकल्ट आ रहे हैं, करंट अफेयर्स हलवा नहीं आ रहे कि यूट्यूब पे थोड़ी वीडियोस देख ली, टेलीग्राम के वन लाइनर्स देख लिए और हो गया, नहीं। यू हैव टू फॉलो करंट अफेयर्स रेगुलरली, बैकलॉग भी खत्म करना पड़ेगा जून से। ठीक है, तो कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है कॉमेंट करके जाना, एंड येस डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डू से हाई टू मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको वीडियो कैसे लगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, loggery साइनिंग ऑफ।